राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के अपने पद से हटने का फैसला करने के कुछ दिन बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे वापसी की अपील जारी रखी है। इस बीच पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए एनसीपी की 16 सदस्यीय समिति की बैठक शुक्रवार यानी कि आज होने जा रही है। ये समिति कार्यकर्ताओं की इस बार मांग पर विचार कर सकती है कि पवार अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे, ये होगा या नहीं इसका फैसला बैठक के बाद सामने आएगा। इस बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है कि पवार अध्यक्ष बने रहे जबकि नियमित कामकाज में मदद के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आज सुबह अजीत पवार उनके ऑफिस पहुंचे और सुबह से पवार के समर्थक कार्यालय के बाहर नारे लगाकर पवार साहब के प्रति अपनी निष्ठा जताते नजर आए। पवार को इस्तीफे से मनाने के लिए गुरुवार को लगातार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। बीते दिन कुछ कार्यकर्ताओं ने तो इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए खून से पवार को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद सुप्रिया सुड़े और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को कार्यकर्ताओं को रोकने आना पड़ा। सुड़े ने कहा, कृपया ये सब बंद कीजिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि खून से चिट्ठी न लिखें। साहिब यानी कि पवार इस सब से बहुत आहत है, मैं आपसे विरोध बंद करने का अनुरोध करती हूँ। खैर, बैठक के बाद क्या फैसला होता है इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर देखते रहिए, जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ, हम आप तक सभी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।